कांग्रेस पार्टी से सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद राजस्थान में सियासी ड्रामा जारी है। हर दिन कांग्रेस बीजेपी और पायलट खेमे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं अब राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर बीजेपी नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक बयान में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान की जनता को कांग्रेस की अंदरूनी कलह की कीमत चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस पूरा दोष बीजेपी पर मढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच अब राजस्थान के रण में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो गई है। मायावती ने कहा है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। साथ ही कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले दल बदल कानून का खुला उल्लंघन व बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया। अब जब जाहिर तौर पर फोन टेप करा के उन्होंने एक और गैर कानूनी व असंवैधानिक काम किया है। प्रदेश की सियासत रोज नए रंग दिखा रही है। पहले जहां पायलट और गहलोत खेमे एक दूसरे पर वार कर रहे थे, वहीं अब सनसनीखेज ऑडियो टेप सामने आने के बाद राजस्थान कांग्रेस और विपक्षी आमने सामने आ गए हैं। वहीं राजस्थान एसओजी भी टेप के सामने आने के बाद इस मामले में तेजी से इन्वेस्टिगेशन में लग गई है। इधर ऑडियो टेप सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस भी एक दूसरे को कानूनी पचड़े में फंसाने में लगे हैं।